गुड मॉर्निंग मित्रों। तो हमारे मॉनसून ट्रिप के डे 3 की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। और कुछ ही देर में मौसम हो जाता है कुछ ऐसा। तो सावन ऐसे झूम कर आया कि वो सामने वाला टेंट पूरा तहस नहस हो गया और उसी के साथ मेरा मॉनसून में कैंपिंग करने का प्लान भी। अब ऐसे मौसम में कहाँ ही जाता और क्या ही शूट कर पाता। तो मैंने अपने रूम में बैठकर 3 दिन से फैलाया हुआ अपना सामान ही समेटने लगा। तभी होता ये है कि जो 2 दिन पहले हमारे अराइवल पर हमने इस मुर्गी को रूम से बेघर किया था। अच्छा, ओ भाई, और भी है क्या? अच्छा, अंडा दिया उसने। आज वो अपना हक क्लेम करने वापस आती है। तो एक बार तो आंटी से कहकर मैंने उस मुर्गी को वापस रूम से बाहर करवा दिया, बट मुर्गी इतनी आसानी से अपना हक छोड़ने वालों में से लग नहीं रही थी। तो मैंने अपना सारा सामान अरेंज कर लेने के बाद उस मुर्गी को एज ए रूममेट एक्सेप्ट कर ही लिया। तो थोड़ी सी बारिश बंद होने के बाद मैंने सोचा अब आधा दिन तो निकल ही चुका है, तो पास ही में नाने घाट एक्सप्लोर किया जाए। अब नाने घाट पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो डायरेक्टली बाय रोड आप घाटघर विलेज पहुंच के ऊपर से ही नाने घाट को विजिट कर सकते हो जैसे मैंने किया, या फिर आप नीचे से ट्रैक करते हुए भी ऊपर नाने घाट तक पहुंच सकते हो। जब मैं यहाँ पर घूम रहा था तब मुझे नाने घाट के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, बट जब ये वीडियो बनाने के लिए मैंने रिसर्च किया तो मुझे नाने घाट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। जैसे कि नाने घाट नाम बनता है 2 मराठी वर्ड से जुड़कर, नाने मतलब कॉइन्स और घाट मतलब पास। और ये नाम इस जगह को इसलिए मिला था क्योंकि सातवाना डायनेस्टी जो कि एग्जिस्ट करती थी 2nd century BCE टू 3rd century CE, मतलब आज से करीब करीब 2000 से 2100 साल पहले, तो उस टाइम नाने घाट एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था जो कोंकण रीजन को डेक्कन रीजन से जोड़ता था। और यहाँ से आने जाने वाले ट्रेडर्स से जो टोल कलेक्ट किया जाता था वो इस पॉट में कलेक्ट करते थे, और ये पूरा स्टोन से कार्व करके बनाया गया था। थोड़े से और आगे जाने पर पूरा रॉकी सा पैच था जो कि बारिश की वजह से काफी स्लिपरी हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही चल रहा था। यार, मुझे तो लगा था कि नाने घाट जो सामने पीक टाइप दिख रहा सिर्फ वही होगा, पर ये तो कुछ और है। यहाँ उतर के नीचे जाना है मुझे। ये पाथ वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं, सिंस बारिश हो रही है और पूरा फॉगी हो रहा है ना, हवा बहुत तेज चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा देख कर चलना पड़ रहा है, बिकॉज पत्थर स्लिपरी हो सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने पर मुझे दिखा ये केव। ये केव्स माउंटेन कट करके बनाए गए थे ताकि आने जाने वाले ट्रेडर्स यहाँ पर रुककर रेस्ट कर सके। और अगर आप नाने घाट में रात को स्टे करना चाहते हो तो यहाँ तो नहीं, बिकॉज ये तो ओपन है, तो यहाँ बंदर एंड ऑल आ सकते हैं, बट वो सामने वाला केव जो है वहाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज वहाँ आगे गेट बना रखा है, तो यू विल बी मच सेफर इन दैट केव। थोड़ी देर में चलते हैं उस केव में भी। अरे, जगह एग्जैक्टली क्या है और कैसी है ना, मुझे भी पहले से आइडिया नहीं था, तो मैं इतनी प्रिपरेशन के साथ आया नहीं हूँ यहाँ पर। तो अभी नीचे उतरते उतरते एक केव मिला मुझे, बारिश भी थोड़ी सी तेज़ हो गई थी तो मैं थोड़ी देर केव में रुक गया हूँ। हाँ, बारिश थोड़ी सी कम हो जाए उसके बाद चलते हैं केव से आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है आगे यहाँ पर।
इस केव की दीवार पर कुछ साइंस बने हुए थे। पूछने पर पता चला कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया था। अगर विस्तार से जानना है कि ये क्या लिखा हुआ है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी है। तो ये लैंग्वेज सेकेंड सेंचुरी में यूज़ की जाती थी, मतलब ये स्क्रिप्ट कुछ 2000 साल पुरानी है। सोचने वाली बात है ना कि हमसे पहले कितने आकर चले गए और एक दिन ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। फिर 2000 साल बाद किसी को मेरा चैनल दिखेगा और वो कहेगा, यार वीडियो तो बढ़िया थे, पता नहीं सब्सक्राइबर इतने कम क्यों है। तो वो लोग ऐसा ना कहे इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो। इस केव से बाहर निकलकर मैं यहाँ कुछ और शॉट्स लेना चाहता था, बट ये ग्रुप यहाँ पर काफी टाइम से पिक्चर्स क्लिक किए ही जा रहा था। पहले तो थोड़ा अनोइंग लगा मुझे, फिर थोड़ी देर जब इन लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि ये भी कितने लक की बात है ना। ये सब एटलीस्ट 35 से 40 की एज के तो लग ही रहे थे, फिर भी समहाउ इतना बड़ा ग्रुप साथ में ट्रैवल कर रहा था। आजकल रेयर ही हो गया ना ये सब। थोड़ा सा प्लान्स कैंसिल करने में जो मजा आता है वो साथ घूमने में का है ना, सही कह रहा हूँ ना। खैर यहाँ से निकलने के बाद नेक्स्ट डे में फिर यहाँ आया था। तब मौसम रिलेटिवली थोड़ा सा साफ था और आज के दिन मैंने नाने घाट पर जो हिल है जिसे नानाचा आंगटा कहते हैं वो विजिट किया। यहाँ पर थोड़े ठीक ठाक वेदर में जिपलाइनिंग भी होती है, बट अभी नहीं हो रही थी। तो जी ये थी हमारी डे 3 की कहानी। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि महाराष्ट्र मानसून में घूमना तो बनता है। और हाँ, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक और वीडियो के साथ। और ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में लिखो जय हिंद जय महाराष्ट्र।